जारी है। फ्लोर टेस्ट से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। आरजेडी ने एमएलए एमएलसी की बैठक बुलाई है। पांच देश रत्न मार्ग तेजस्वी की आवाज पर यह बैठक बुलाई गई है। आज दोपहर 3 बजे यह अहम बैठक होगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले बैठकों का दौर एक के बाद एक जारी है। एक तरफ मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू एमएलए एमएलसी की महाभोज चल रही है, तो अब आरजेडी ने भी लामबंदी शुरू कर दी है। आज दोपहर 3 बजे आरजेडी ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें सभी एमएलए एमएलसी को बुलाया गया है। तेजस्वी के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, लालू यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी ने भी लामबंदी शुरू कर दी है। आरजेडी ने अपने सभी एमएलए एमएलसी को बुलाया है। पांच देश रत्न मार्ग पर यह बैठक होनी है। 3 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक के जरिए आरजेडी अपने एमएलए एमएलसी को एकजुट रखने की कोशिश करेगी। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को, और वो भी तब जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। जेडीयू बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। देखिए, जहां तक जेडीयू हो, आरजेडी हो, हम पार्टी हो, ये तमाम लोग जो हैं अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। और यही कारण है कि जहां एक तरफ बीजेपी गया में अपने विधायकों को और एमएलसी को रखी है, तो वहीं जेडीयू की बैठक अभी श्रवण कुमार के यहाँ चल रहा है और इसके बाद कल जो है विजय चौधरी जी के यहाँ है, जो मंत्री है अभी ये श्रवण कुमार उनके यहाँ, उसके बाद विजय चौधरी जी के यहाँ, तो ये साप्ताहिक दोनों मंत्रियों के यहाँ है। और अब आरजेडी 3 बात कर जाए, आज 3 बजे जो है अपने एमएलसी और एमएलओ को बुलाया है और आरजेडी की बैठक करेगी, जिसका नेतृत्व बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाए कि आरजेडी भी अपने विधायकों को एकजुट रखी है। आरजेडी बार बार कह रही है खेला होगा, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए साफ तौर पर कहा जाए तो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर हर पार्टियां अपने विधायकों को अपने साथ रखने का प्रयास कर रही है और आरजेडी आज मीटिंग कर रही है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और लालू यादव करेंगे। जी रुपेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को, किस मकसद से इस बैठक को बुलाया गया, क्योंकि ये बैठक पहले से तो तय नहीं थी? देखिए, ये पहले से ही बैठक सुबह से ही तय थी, लेकिन इस चीज को जो है कहीं ना कहीं डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन अब तो है 3 बजे जो है बैठक क्लियर कर दिया गया है और तमाम विधायक जो है एमएलसी मौजूद रहेंगे। 5 देश रत्न मार्ग जो है तेजस्वी यादव का सरकारी आवास, उसी आवास पे या बैठक होगी। साफ तौर पर फ्लोर टेस्ट से पहले ये आरजेडी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और इस बीच आरजेडी जो लगातार दावा कर रही थी कि खेला होगा और आज ये बैठक बुलाई जा रही है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ रणनीति बनी है? देखिए, रणनीति क्या बनता है ये तो अंदर में नेता बनाते हैं, लेकिन ये तो तय है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है राजनीति गर्मी चढ़ गई है, गामा गर्मी तेज है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम लोग जो है बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद में शिफ्ट है, वह 12 तारीख को अपने विधायकों को लेकर सीधे बिहार विधानसभा पहुंचेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरजेडी ने अपने एमएलए और एमएलसी की बैठक बुलाई है। 5 देश रत्न मार्ग पर यह बैठक बुलाई गई है। दोपहर के 3 बजे यह बैठक रखी गई है। और बिहार